हालत जो है बहुत फट गई है, सांस फूल रहा है। तेरा क्या हालत है भाई? सेम भाई, बहुत हालत खराब हो गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। मैं कल ही वापस आया हूँ। आने के बाद जल्दी से अनपैकिंग की, फिर पैकिंग की, क्योंकि आज यानी कि द नेक्स्ट डे मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ। पिछली वाली जो ट्रिप थी वो फैमिली के साथ थी, बट उसमें मज़ा आया। लेकिन फ्रेंड्स के साथ जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको अलग लेवल की मस्ती आती है, ठीक है। तो आज जो है हमारी बस है 5 बजे को, अभी बज चुके हैं दोपहर के 1, तो अभी फटाफट से मुझे पैकिंग करना पड़ेगा जो भी बाकी का सामान है, उसके बाद निकलेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एस्प्लेनेड बस स्टैंड। यहाँ पे हमारी जो बस है वो पीछे ही खड़ी है और साथ में मेरे ऋतुराज। कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, लगता तो है अच्छा ही होगा। अभी जो है अपने अंदर एकदम करंट सी दौड़ रही है ट्रिप स्टार्ट करने के लिए। अभी बस भी जो है वो बहुत ही सही बस है। तो रुकावट के लिए बहुत ही खेद है, लेकिन अभी जो मैंने बोला कि बहुत ही सही बस है, ये मैं आपको यहाँ पहुँच के बताऊंगा। वापस जाइए। स्पेशियस है बहुत, और स्लीपर है तो एंजॉय करते करते जाएंगे। अपनी जो बस है वो अभी फिलहाल पूरी खाली है। बस में गर्मी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंडी नहीं लगने वाली। और हमारा जो सीट है वो ऊपर स्लीपर का है, दिखाता हूँ आपको। तो ये है मेरे और ऋतुराज की सीट। हम लोगों ने, अरे यार कर्टन, यहाँ पे बैग रख लिया है, पानी का बॉटल भी है। स्लीपर वाले कंपार्टमेंट में चढ़ चुका हूँ और अभी डिनर करने का टाइम है। डिनर करके फिर सो जाऊँगा, और कुछ करने को है भी नहीं बस में। गुड नाइट। ऑल राइट, तो बस जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। हम लोग स्लीपर बस से ट्रैवल कर रहे हैं और मैं डिनर करने के बाद बिल्कुल हिलने डुलने की जगह नहीं थी, और इतना ज़्यादा जर्किंग था कि मेरे सर पे बहुत ही चोट लगी है। मैं क्या बताऊँ, हिलते डुलते आ रहे थे, और अभी जो है सर है इधर उधर हो रहा है मेरा भी जब बैठे हम लोग यहाँ पे। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोलकाता टू सिलीगुड़ी बस से ट्रैवल करो, उससे बेटर है कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर लो। मतलब इतना ज़्यादा जर्क आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। तो बस यही है, अभी आगे देखते हैं कि जर्नी में क्या होता है। रात के 11 बज चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, ठंड भी है। आई होप कि आगे की जर्नी थोड़ी कंफर्टेबल रहे, क्योंकि अभी तक बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। गुड मॉर्निंग। ओके, तो अभी हम लोग रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए। बहुत ठंड है यहाँ पे, करके बात करता हूँ। और कितना घंटा इधर से? 3 घंटा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम किशनगंज बिहार। अभी हम लोग की जो बस है उसने स्टॉप लिया है, और ये जो बस है ये बहुत ही लेट चल रही है। टाइम था इसका अराउंड 7:30 पहुंचाने का, लेकिन अभी बज चुके हैं 10, इसीलिए। तो 6 घंटे लेट होने के बाद अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी, और
जो बस जर्नी थी वो मैं आपको आराम से रूम में जाके बताऊंगा, मतलब अभी मैं मूड खराब करना नहीं चाहता खुद का इसीलिए। और अभी हमारे पलटन में और 3 लोग आने वाले हैं, आपको उनसे मिलवाता हूँ। अब वो लोग मतलब हम लोग का वेट कर रहे हैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे। मतलब ऐसा सीन हो गया होगा कि मेरे अनुज ऋतुराज आएंगे, तो अभी उनको ही खोज रहे हैं। ओके, तो ये है रोहित, ये है आकाश और ये है जीत। कब से वेट कर रहे तुम लोग? 5 घंटे हो गए, बस लेट था, हम क्या करें। ऑलराइट, तो अभी हम लोग टाटा सुमो बुक करने वाले हैं 5 लोग के लिए, और पर हेड हम लोग को 200 रुपीज़ पड़ेगा। यहाँ पीछे ही ऑफिस है, और यहाँ से फिर हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे। आप लोग दार्जिलिंग के रास्ते का व्यू एंजॉय करो। यो बॉयज, बोरिंग। तो अभी हम लोग टाटा सुमो में चढ़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। टाइम है हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 3-8 घंटे लगेंगे। आप व्यू एंजॉय। ऑलराइट, अभी हम लोग रुके हैं कुरसंग के पास। जो व्यू है बहुत ही मैजिकल है, और थोड़ा टायर्ड भी हूँ अभी, तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख पा रही हूँ, ये ट्रेन ट्रैक है, टॉय ट्रेन का जो ट्रैक होता है वो ऐसा दिखता है कुछ। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये सिंगल है और वो डबल क्यों है। और व्यू इन्जॉय करो। नाउ रीच दार्जिलिंग। अब गाड़ी से सामान को अनलोड करना है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर जगह है। ऑल राइट, चेक आउट द व्यू। बहुत ही मैजिकल व्यू है यहाँ का, और जितनी भी थकान थी शरीर में वो गायब हो चुकी है इस व्यू को देखने के बाद। यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल, 5 मिनट का वॉक है ऊपर की तरफ। चलिए चल के बात करते हैं। अभी इतनी ठंड लग रही थी कि थोड़ा मॉडिफाई किया लुक को, क्योंकि भी नहीं हाथ में ग्लव्स। लेट्स गो। आप में से जिन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, शाहरुख और दीपिका वो रिचुअल निभाते हैं, वैसा ही फील आ रहा है पूरा यहाँ पे। ये रक्षक को लेके बहुत ऊंची सीढ़ी है यार। हेलो बड़ी, हम लोग ने वो नीचे से स्टार्ट किया था और वहाँ ऊपर तक जाना है। क्या हुआ? चार हो गए। चलो चलो चलो, होटल होटल। हालत जो है बहुत फट गई है, सांस फूल रहा है। तेरा क्या हालत है भाई? सेम भाई, बहुत हालत खराब हो गया है। बोला कि 21 मिनट्स वॉकिंग है, 950 मीटर आसपास। हाँ, 950 मीटर तो हम लोग के 9500 लगा। सही में हम लोग कहाँ से आया दिखा रहा हूँ। ये जो पूरा स्टॉप स्लीप
क्या बोलते हैं स्लोप स्लोप देखो पूरा दौड़ के आए यहाँ से इसीलिए अभी ये हालत है भाई कार लेना चाहिए था ब्रो पैदल को समझ में नहीं आया देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं या ओके तो वी हैव रीच्ड आवर रूम थोड़ी देर बाद आपको बात करता हूँ तो ये है हमारा रूम ओह सॉरी थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता ऑल राइट तो हमारा जो होटल है उसके बालकनी का व्यू आप लोग जस्ट एक बार चेक करो पागल हो जाओगे आकाश को कैसा लग रहा है व्यू मैं अभी पहली बार आया हूँ बालकनी में हाँ चढ़ाई काफी थी बट इट्स वर्थ इट एग्जैक्टली यार ये व्यू कहाँ मिलेगा तो अभी मैं बाहर से अपना डिनर करके आया बहुत ही टेस्टी था एंड अभी सारा ट्रांसफर कर रहा था फाइल्स एंड कैमरा में चार्ज भी नहीं था इसलिए कैमरा लेके नहीं गया तो अभी दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर है वो है 3 degrees Celsius और जिसके बारे में मैं बात करने वाला था कि मैं क्यों आपको ये बस जर्नी रिकमेंड नहीं करूँगा तो हम लोग ने कुंडू ट्रैवल्स को सिलेक्ट किया था फॉर द जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी तो जो जर्नी थी बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था हमारा क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई एक तो स्पेस कम था बस एकदम खटारा स्लीपर के नाम पर धब्बा था वो क्योंकि स्पेस नहीं था बिल्कुल मेरे को लाइक लेग्स में चोट लगी है सर पे चोट लगी है उसके बाद रात को 1 बजे जब मुझे गहरी नींद आ रही थी तब उनका कंडक्टर आके मुझे जगाता है बोलता है कि भैया आपका टिकट दिखाओ रात के 1 बजे कौन आके वैसे बोलता है बताइए आप तब जो मेरी नींद टूटी उसके बाद मुझे नींद ठीक से आई नहीं और उसके पहले आप लोग को पता ही होगा कि मैं झांसी से जस्ट 29th को आया हूँ और 30th को फिर मैं निकला और एक बात ये जो बस की जर्नी थी 7:30 सुबह को इनका पहुंचाने का बात था बट इन लोगों ने हम लोग को सिलीगुड़ी पहुंचाया 12:30 बजे यानी कि 5 hours लेट तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े यू नो सामान जो होता है लगेज वगैरह सामान दुकानों का ये अपने साथ लेके जाते हैं कोलकाता से और ये लोग हाईवे का रोड नहीं पकड़ते ये लोग सिटी के अंदर से लेके जाते हैं धीरे धीरे करके उससे बहुत लेट हो जाता है तो इसीलिए आप लोग ट्रेन से आओ अगर आप कोलकाता टू NJP आ सकते हो सिलीगुड़ी आना तो NJP आ जाओ ट्रेन से आओ दैट इज़ मच बेटर एंड कंफर्टेबल लेकिन बस से आओगे कुंडू ट्रैवल्स या फिर किसी भी बस से जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा लाइक मेरा बॉडी में इधर पे आके बैठा तो लेफ्ट राइट शेक हो रहा है वो तो यही बात है वोल्वो बस से आओगे तो फिर दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि वोल्वो ऐसा नो लगेज का वो लोग इशू रखते ही नहीं और रखते भी है तो बहुत कम रखते हैं वो लोग हाईवे को ही सेलेक्ट करते हैं ट्रैवल के लिए तो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड स्टे हैप्पी बाय द वे एक चीज़ भूल गया कि आज है 31st December 2019 और हम लोग हैं दार्जिलिंग में तो आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी मैं निकलूंगा शूट करने के लिए इस वीडियो को शॉर्ट ही रख रहा हूँ मतलब ज़्यादा लंबा टान नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें और भी ज़्यादा मस्ती होने वाली है तो दार्जिलिंग का न्यू ईयर सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे थैंक यू बाय बाय